आइए आपको लेकर चलते हैं जनता दरबार में, जहां हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विजय विश्वकर्मा। आगामी विधानसभा चुनाव के विशाल वृक्ष चुकी है, सभी प्रत्याशी अपने वादों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कहीं विकास का मुद्दा तो कहीं क्षेत्रवाद और कहीं जातिगत समीकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। आज हम आपको रीवा जिले की गुड़ विधानसभा से रूबरू कराने जा रहे हैं। गुड़ जैसा नाम है उसी तरह गुण भी है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट इस क्षेत्र में, लेकिन युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है गुड़। यहाँ कांग्रेस बीजेपी बसपा माकपा जैसी पार्टी के विधायक चुने गए, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। गुड़ एक ऐसी विधानसभा है जहां किसी भी प्रतिनिधि ने हैट्रिक नहीं बनाई, हर बार जनता ने विधायक बदला है। यहां सबसे ज्यादा चुने जाने वाले विधायक का रिकॉर्ड नागेंद्र सिंह के नाम है। वहीं विद्यावति पटेल दो बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच चुकी है। अगर पिछले विधानसभा 2013 की बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी सुंदरलाल ने जीत दर्ज की और विधानसभा का सफर तय किया, जबकि भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह दूसरे स्थान पर पहुंच गए और भाजपा जीत से दूर हो गए। बसपा प्रत्याशी मुनिराज पटेल तीसरे स्थान पर काबिज रहे। इस चुनाव में एक युवा नेता के रूप में कुंवर कपिलध्वज सिंह उभर कर सामने आए और नागेंद्र सिंह की हार का कारण भी बने। कपिलध्वज सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ने का ऐलान किया है। वर्ष 2013 के चुनाव में भी कपिलध्वज सिंह निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद 25,510 मत हासिल करने में कामयाब हुए थे। कपिलध्वज सिंह के मैदान में होने से गुड़ के सारे समीकरण बिगड़ जाएंगे। कपिलध्वज सिंह क्षेत्रीय नेता होने के साथ ही एक युवा समाज सेवी के रूप में भी पकड़ रखते हैं और जनता के बीच इनकी काफी पैठ है। गुड़ क्षेत्र की जनता में स्थानीय क्षेत्रवाद और विकास का मुद्दा उठकर अपने नेता को आगाज करने का विगुल फूंक दिया है। आइए देखते हैं क्षेत्र के समीकरण और समस्या की जनता की जुबान। ये दुख को देख देख कर अब हमने साहब की आत्मा क्यों विपूर्ण हो रही है। भैया साहब को हम क्षेत्र के लिए उस क्षेत्र के लिए भैया साहब को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ये बड़े गर्व की बात है कि आप लोगों ने तमाम हर गांव से गुरु क्षेत्र के हर गांव से हर घर से तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं। नागेंद्र सिंह बहुत जगह पूछने काम किए, आपको परदेशी आज उनका घर द्वार में चले गए, अपने घर द्वार वाले को बनाना तो हमारे घर का हक है। इसी हमारी आपकी भलाई होनी है, बाकी भलाई नहीं हुई अपना खा पी के बुला के चले गए, लुटवा के चले गए, कुछ नहीं होना है। मैंने नागेंद्र सिंह को भी नेतृत्व देख लिया और सुंदर लाल को भी देखा और जो संसद है आप सब लोग आप सभी उपस्थित सज्जनों से मैं कहना चाहता हूँ कि गुड़ क्षेत्र की जनता ने कई बड़े बड़े लोगों को चुना, लेकिन बड़े लोगों से ऐसा क्या फायदा, जैसा कह गए हैं बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अधूर। तो गुड़ क्षेत्र की जनता को कोई विकास नहीं मिला, कोई प्रगति नहीं मिली, कोई रोजगार नहीं मिला, इतना बड़ा सोलर प्लांट आप क्या लगा और जनता उस रोजगार से महरूम रही, इस विकास का क्या फायदा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुखिया मुखसो चाहिए खान पान सोए बालाई को फिर सकल जग खुशी सही घूमे। तो इस तरह का विकास करने की क्षमता मैं सोचता हूँ अगर किसी में है तो हमारे भैया जी में है और मैं हमारे भैया जी में है और
अगर हम भैया जी को चुनेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि गुड़ क्षेत्र का जैसा विकास होना चाहिए उसी तरह का विकास हमें देखने को मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज हम लोग इस सभा में आए हुए हैं। सभा का मेन मुद्दा ये है कि कितनी जनता हम लोग बैठे हैं साथ में, भैया के साथ में आए हैं, लेकिन बाद में ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ बैठे साथ भैया साहब के रहेंगे लेकिन चुनाव कार्य के इधर उधर बिक जाए हम लोग, ऐसा काम नहीं। कितनी जनता हम लोगों के सामने आज यहाँ बैठे हैं, एक एक व्यक्ति अगर दस दस आदमी को एकत्रित कर लें वोट के लिए में, तो भैया साहब को जीतने के लिए तो हम खुद ही लोग हम बैठे हैं यहाँ। शायद कम लोग ही जानते होंगे दुनिया के सबसे पहले व्हाइट टाइगर का इसी विधानसभा क्षेत्र से नाता रहा है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बदवार गुड़ में स्थापित हुआ और इसी क्षेत्र में बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा में खदानें हैं। आखिर गुड़ क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, जानने की कोशिश की एडिटर इन चीफ जावेद अंसारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन, मैं जावेद अंसारी आपके साथ। हम इस समय आपको आज गुड़ विधानसभा ले चलेंगे और वहाँ पर दिखाएंगे वहाँ का क्या है हालचाल, पिछले स्वतंत्रता के बाद से आज तक वहाँ पर किस तरीके का क्या हाल रहा है। आप मैं आपसे जानना चाहूँगा पिछले गुड़ विधानसभा में आज तक वहाँ पर किस तरीके के उद्योग धंधे आए। उद्योग धंधों के नाम से तो शून्य है और इससे पहले गुड़ क्षेत्र की जनता को इतना लूटा गया, कहीं से भी कोई दूर पूरे मध्य प्रदेश में आप ये मानिए कि कोई भी प्रत्याशी मध्य प्रदेश का एक पर्चा अपने क्षेत्र से भरता है, एक पर्चा गुड़ क्षेत्र से डाल देता है कि चलो सबसे बड़ा चारागाह है वहाँ है, वहीं पे अपना तीर तुक्का लग जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा आप वहाँ पर जनपद अध्यक्ष, वहाँ पर किस तरीके का विकास कार्य हुआ है आज तक? पंचायतों से तो कुछ हुआ है, जनपद से कुछ हुआ है, लेकिन बिजराज सिंह तिवारी जी के बाद 57 जो निर्वाचित हुए थे हमारे यहाँ से, इसके बाद जितने विधायक आए हैं लूट किए, जितना मन चाहा उतना लूटे हैं, कोई काम नहीं किए हैं। हम क्योंकि मैं भी हमारा जो मैं अध्यक्ष हुआ हूँ, 15 साल मैं सरपंच था, फिर जनपद सदस्य था, फिर अध्यक्ष हुआ, 35 साल मैं 9 चुनाव लड़ा हूँ, एक चुनाव मैं हारा हूँ जिला पंचायत का, ये 12 नंबर वार्ड से, तो उसमें देख रहा हूँ। आपको क्या लगता है वहाँ पर किसी तरह के कॉलेज और पढ़ाई की क्या व्यवस्था है? वहाँ पूरी तरह से अव्यवस्था है, पिछले जो भी विधायक बने हैं उन्होंने अपना घर केवल बनाया है, बाकी जनता के बारे में कुछ उन्होंने किया ही नहीं है, केवल अपनी कोठी खड़ी किया है, इसीलिए दोबारा कोई कैंडिडेट वहाँ से जल्दी जीतता नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा वहाँ पर स्थानीय प्रत्याशियों ने क्या कभी चुनाव लड़ा है और स्थानीय प्रत्याशियों को कभी क्या आप मौका देने की कोशिश करेंगे? स्थानीय प्रत्याशी अभी तक तो कुछ समझ में आए नहीं, सब बाहर के प्रत्याशी हैं और जो आए हैं केवल लूट किए हैं। यहाँ शिवराज सिंह भयंकर लूट मचवाए हुए हैं, जो यहाँ शासकीय स्कूल थी अधिकांश बंद हो गई हैं, जबकि सभी सुविधाएं सरकारी स्कूल मिलती हैं, इसके बाद भी निजीकरण हो गया है, तमाम व्यवसायीकरण हो गया है, चिकित्सा विभाग तो पूरी तरह बंद है, प्राइवेट यहाँ नर्सिंग होम चला रहे हैं, जो अच्छा डॉक्टर तबाही मचाए हुए हैं, ऐसे आपके कृषि विभाग में तबाही मची हुई है, आपके वेटनरी विभाग में मची है, कहीं कुछ भी हो नहीं रहा, रोड सब उखड़ रही है, बार बार बन रही हैं, आप कहीं बोर्ड लगते हैं चाहे शहर में हो चाहे वहाँ हो, तबाही मची हुई है पूरी तरह से, कुछ भी किसी को लाभ नहीं है, तहसील में लूट मची है, आपके शिक्षा में लूट मची है और चिकित्सा में लूट मची, कहीं कुछ भी काम नहीं है। मेरे पास पूरा बजट रखा हुआ है, कार्यों में सब कब चलता है, जितने बीज हैं जितनी योजना है सब वहाँ बाहर बाहर भी जाते हैं। क्षेत्र की जनता मौका देती है तो आप किन योजनाओं को लेकर उनके बीच चलेंगे? कि ये गुड़ विधानसभा क्षेत्र के दुर्भाग्य है कि लगातार कई पंचवर्षीय से यह क्षेत्र का अपने घर के अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व नहीं मिला। पार्टियों की भी गलती है कि क्षेत्र से बाहर के प्रत्याशियों को लाकर यहाँ से चुनाव लड़ाया जाता है, और पार्टी चाहे कोई भी रही हो जो भी चुनाव जीता है उसका आचरण लगभग एक जैसा ही रहा है। लगातार गुड़ विधानसभा क्षेत्र के जनता के स्वाभिमान, जनता के सम्मान और जनता के अधिकारन के हनन का विकास की स्थिति यह है कि जो आज से 15 साल पहले 20 साल पहले गुड़ विधानसभा क्षेत्र की स्थिति रही मूलभूत सुविधा का लेके, आज लगभग गुड़ विधानसभा क्षेत्र वहाँ खड़ा है, उसे एक कदम आगे नहीं बढ़ा, यह कहूँ से छुपा नहीं आए, जनता जागरूक है, जागरूक हो ही रही है,
यह कहूँ से छुपा नहीं है कि चाहे वो वर्तमान के जनप्रतिनिधि हों चाहे पूर्व के जनप्रतिनिधि हों, जनता की राशि के बेशर्मी से वो दुरुपयोग की ही नहीं और अपने निजी संपत्ति खड़ा करे माँ वह जनता के पैसा का वो लगाए नहीं। उनकी कोई भी संपत्ति उनकी मेहनत का नतीजा नहीं आए या गरीब जनता के एक एक रुपये का अधिकार जो है ओखा चुरा चुरा के ही अपन संपत्ति खड़ा करी। यह बेर गुड़ विधानसभा क्षेत्र के जनता, गुड़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाता यह संकल्प ले चुके हैं कि हम जेखा जिताऊ अपने घर के प्रत्याशी का जिताऊ, बाहर के प्रत्याशी का जनता गुड़ विधानसभा क्षेत्र के स्वीकार करे के मूड में नहीं आए और यह उम्मीद है कि यह बेर गुड़ विधानसभा क्षेत्र के जनता बाहरी प्रत्याशी का गुड़ विधानसभा क्षेत्र से बाहर के रास्ता दिखाई। विकास के असीमित संभावना है, चाहे रोजगार संबंधित हो, चाहे उद्योग संबंधित हो और चाहे शिक्षा से संबंधित हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी तो गुड़ विधानसभा क्षेत्र अपने मूलभूत सुविधाएं से वंचित है। अगर हमें ये मौका मिला है जनता के सेवक बन के जनता के प्रतिनिधि करे के प्रतिनिधित्व करे के तो सर्वप्रथम तो जो मूलभूत सुविधा है उनका दुरुस्त करा जाए, उसके बाद उद्योग शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरे क्षेत्र में दुरुस्त की जाए या सुनिश्चित की जाए कि जो कोनो उद्योग गुड़ विधानसभा क्षेत्र में खड़ा होता है वह नेता या सरकार के धोखा में पड़ के जनता के साथ गलत ना हो। अगर हमारे विधानसभा क्षेत्र में वह प्लांट पड़ा है, वह उद्योग पड़ा है, तो वह उद्योग में काम करे के रोजगार पावे के पहला अधिकार गुड़ विधानसभा क्षेत्र के जनता के है। और यहाँ वहाँ के कचरा गुड़ विधानसभा क्षेत्र न तो चारागाह है एक कहू आए के चर के चला जाए और न गुड़ विधानसभा क्षेत्र कोनो कचरा कूड़ा के मैदान है जहाँ पूरे संभाग के कचरा ले आए के डंप की जाए। यह क्षेत्र के जनता ये नहीं चाहे कि हमारे क्षेत्र में कचरा के प्लांट लागे। सरकार कोनो हुई ओका जनता के मांग के जनता के इच्छा के सम्मान करे पड़ी। अगर सरकार जबरदस्ती करा थी तो जनता के प्रतिशोध जनता के विरोध देखे मिली और जनता के इच्छा के हिसाब से गुड़ विधानसभा क्षेत्र में काम हुई। जनता के इच्छा के विपरीत एक चीज़ गुड़ विधानसभा क्षेत्र में कोनो नेता या सरकार न कर पाई। ये थे हमारे साथ गुड़ विधानसभा के लोग जिनकी राय थी इस बार विकास, स्थानीय प्रत्याशी, मूलभूत सुविधाओं का वहाँ पर विस्तार, कचरा प्लांट वहाँ पर नहीं चाहिए जैसी बातों को लेकर इस बार वो लोग अपने उसी प्रत्याशी को चुनेंगे जो इन सारी बातों को पूर्ण करेगा। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी बलिकरण पासी के साथ। पांचवीं शताब्दी में गुड़ मूर्ति कला का केंद्र था। यहाँ बड़े बड़े पत्थरों को तराशकर मूर्तियां बनाई जाती थी। भैरवनाथ उसी का एक बेजोड़ नमूना है। कष्टहरनाथ भक्तों का कष्ट हरते हैं, बावजूद इसके यहाँ की जनता हलाकान है, परेशान है और मजबूर है। हम इस समय मौजूद हैं गुड़ विधानसभा के लोगों के बीच में। आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं गुड़ विधानसभा के लोगों से, उनका क्या कहना है, क्या सोचना है। आप ये बताइए आपके यहाँ विकास कार्य की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ कुछ विकास कार्य नहीं हुआ, भ्रष्टाचार को बढ़ा हुआ है। बिजली विभाग को इस समय ऐसा मुकदमा लगा रहा है कि आदमी को जीना मुश्किल पड़ रहा है। आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? रायपुर करछुलियान से, जगत बहादुर सिंह मेरा नाम है। आप बताइए। हम सिरसा से आए हैं, रावेन तिवारी नाम है और यहाँ मीटिंग थी। आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ पढ़ाई लिखाई का क्या स्तर है? बिल्कुल डाउन है। आप कहाँ से आए? ग्राम रौरा है, गुड़ विधानसभा में रौरा से आया हूँ। और हमारे यहाँ तो एक गुड़ विधानसभा बाहरी चारागाह बना हुआ है। बाहरी विधायक यहाँ सांसद हो जाते हैं, इससे कोई विकास नहीं है। सब ये बाहरी लोग यहाँ के हित सोचते नहीं हैं। हमारे यहाँ जब तक हमारे यहाँ का प्रतिनिधि नहीं चुना जाएगा तब तक भ्रष्टाचार नहीं हटेगा, अन्याय नहीं हटेगी। हम लोग अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि चाहते हैं, बाहरी को हटाना चाहते हैं। आपका मतलब इस बार आप स्थानीय प्रत्याशी को? जी सर, चुनने की कोशिश करेंगे। प्रत्याशी को ही बनाएंगे तभी हम लोगों का हित होगा, वही हमारे हित के ध्यान देंगे। आपका क्या कहना? मैं लघुआ कोठार से आया हूँ, जो गुड़ क्षेत्र की पोलिंग नंबर 1 है।
अभी तक हमारे जो यहाँ जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे बाहर के आते सरपंच भी थे। मैं सरपंच भी था इस गांव का, सही बता रहे हैं, रायपुर ब्लॉक के। तो हमारे क्षेत्र में गुड़ नहीं, पूरे रीवा क्षेत्र में भैया साहब जैसा व्यक्तित्व तो है ही नहीं। हमको कोई पार्टी नहीं देखना है, कोई दल नहीं देखना है, हमको व्यक्तित्व तो देखना है। तो इनके सामने व्यक्तित्व में कोई प्रत्याशी कहीं दूर दूर तक टिकता ही नहीं है, और यही विकास कर सकते हैं, बाकी तो भ्रष्टाचारी हैं। आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि गुड़ क्षेत्र में कुमार कपिध्वज सिंह से बढ़ के दूसरा अच्छा कैंडिडेट नहीं हो सकता। अन्य लोग कभी दल के दायरे का लाभ लेते हैं, तो कोई दल के दायरे को नाम लेके और फिर शोषण करते हैं, लेकिन कपिध्वज सिंह जी ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनको ना कोई पार्टी से लेना ना देना, पब्लिक का हित जिसमें हो वही करते हैं, इसलिए हम लोग कपिध्वज सिंह जी के साथ। इसके पहले सारे के सारे लोग क्या स्थानीय प्रत्याशी हुआ करते थे क्या? स्थानीय प्रत्याशी नहीं थे, बाहरी थे, और बाहरी बाहरी ही काम भी करते थे, बाहरी बाहरी ही काम करते थे। जी श्री, क्या कहेंगे आप? जैसे हम लोग देखे हैं कि पहले बीजेपी में कोई दोस्त नहीं है, वहाँ कैंडिडेटों में दोस्त है, क्योंकि वो लोग अपनी ठेकेदारी प्रथा चला के तहसीलों में हर जगह चला के, आज एक किसान आदमी गरीब आदमी जाए तो वहाँ कंप्यूटर बिगड़ रहता है इंतखाब के लिए, और जब 500 रुपया दे दे तो सर वो कंप्यूटर बन जाता है, अगर 100 रुपये में नहीं बनता है। जैसा कि ये सब उन्हीं विधायकों के ही कर्मचारी वहाँ ठेका लिए हैं सर, इंतखाब देने में हर चीज़ में संलिप्त है, वो सब पैसा कमाते हैं, किसान आदमी परेशान है, उनको एक इंतकाम नहीं मिलता है, बच्चों का आय प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता, अगर 500 रुपए दे दे तो तुरंत बन जाता है सर, न तहसीलदार सुनते हैं न। जैसा कि अभी यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों से बात की, सबका यही कह रहा था इस बार हम लोग स्थानीय प्रत्याशी को चुनाव में वोट देंगे, उसको चुनेंगे जो हमारे सुख दुख में काम आए, विकास की बात करें, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए बात करें। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी बलिकरण पासी के साथ। अभी आप देख रहे थे विधानसभा गुड़ की स्पेशल कवरेज जनता दरबार। नई विधानसभा के साथ नए मुद्दों के साथ फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए रीवा दर्शन। नमस्कार।